देखिए, आपका भोजन, आपके स्वास्थ्य, आपकी सोच और तब आपके भाग्य को प्रभावित करता है। अलग अलग राशि के लोगों की खाने पीने की कुछ आदतें होती हैं जो उनके अंदर ज़रूर पाई जाती हैं, और अगर उन आदतों में सुधार कर लिया जाए तो बहुत हद तक ऐसा जरूर होगा कि उनका स्वास्थ्य और उनका जीवन बेहतर होगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। देखिए, सामान्यतः मेष राशि वालों को मीठा खाना पसंद होता है, लेकिन मीठा खाने से एक तो मोटापा बढ़ जाएगा आपका, और दूसरा मीठा खाने से आपका पित्त बढ़ेगा। चूंकि ये राशि पित्त प्रधान है, इसीलिए इनको लिक्विड चीजें लेनी चाहिए और ठंडी चीजें जरूर खानी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोल्ड ड्रिंक पीजिए और आइसक्रीम खाइए। ठंडी चीजों का मतलब जिनका इफेक्ट ठंडा हो, जैसे फल हैं, जल वाले फल हैं, खीरा है, ककड़ी है, मौसमी है, संतरा है, ये चीजें आप खाइए, बहुत अच्छा होगा। और मटके का पानी पीजिए, क्योंकि ज्यादा मीठा खाने से आपको अक्सर एसिडिटी की समस्या परेशान करेगी। वृषभ राशि, वृषभ राशि वालों को चटपटी चीजें खाना और ठंडी चीजें खाना बहुत पसंद होता है। वृषभ वाले सामान्यतः चटपटी चीजें बहुत खाएंगे, ये इनका स्वभाव है। लेकिन इनको सलाह ये दी जाती है कि चटपटी चीजें खाइए, ठंडी चीजें खाइए, उसमें ज्यादा मनाही नहीं है। लेकिन अगर आप हरी सब्जियां खाएं या आप नियमित रूप से सलाद खाएं तो ये आपके लिए बहुत बेहतर होगा। इसलिए वृषभ राशि के लोग नियमित रूप से हरी सब्जियों का और सलाद का सेवन करें, वो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मिथुन राशि, मीठी चीजें खाते हैं ज्यादातर, और जंक फूड खाना या बाहर की चीजें खाना इनको बहुत पसंद होता है। अक्सर आप मिथुन वालों को सुनेंगे कि उनको नींद नहीं आई या उनके नींद में डिस्टरबेंस पैदा हो गई, वो उनके फूड की वजह से होता है। इसीलिए जंक फूड खाना बंद करिए और मीठी चीजें खाना कम करिए। दूध और दूध से बनी चीजें अगर आप नियमित रूप से खाएं, खास तौर से अगर आप दही का सेवन करें, नियमित रूप से दही खाएं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। कर्क राशि की फूड हैबिट्स की बात करें, कर्क राशि वाले गर्म खाना खाना और तीखा खाना खाना ज्यादा पसंद करते हैं। चाय कप में छन कर आती है और तुरंत खत्म हो जाती है, ये टेंडेंसी अगर कहीं दिखे तो समझ जाइए आदमी का सन साइन या मून साइन कर्क है। हालांकि हम बात कर रहे हैं चंद्र राशि के ऊपर, तो कर्क राशि वाले ज्यादातर गर्म और तीखा खाने के शौकीन होते हैं। और अक्सर मैं दुबली हो जाऊं इस चक्कर में खाली पेट भी रहते हैं। बेहतर होगा कि आप लिक्विड आहार ग्रहण करिए, फलों का रस, नींबू पानी, दूध, इसका प्रयोग करिए और दही का सेवन जरूर करिए। अगर आपकी राशि कर्क है और आप लिक्विड का इंटेक बढ़ा दें तो आप स्वस्थ रहेंगे, और वजन को लेकर के जो बेवजह की चिंताएं करते हैं वो चिंताएं आपको नहीं होंगी। सिंह राशि, खाने के मामले में इनकी कोई विशेष इच्छा नहीं होती, खाने के मामले में बहुत च्वाइस या बहुत चूजी नहीं होते, सब कुछ खा लेते हैं। इनको अपने खाने में हरी सब्जियों का और सलाद का प्रयोग जरूर करना चाहिए। सिंह वाले बासी खाना खाने से बचें,
हरी सब्जियां और सलाद ये जितना ज्यादा खाएंगे उतना ही ज्यादा इनके लिए बेहतर होगा। कन्या राशि, खट्टा खाना और चटपटा खाना इनको बहुत पसंद होता है, लेकिन कन्या वालों को बहुत ज्यादा खट्टा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ज्यादा खट्टा खाने से आप स्किन की, त्वचा की समस्या के शिकार हो सकते हैं। खाने में फल का, विशेष तौर से अमरूद का और केले का अगर आप सेवन करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। जितना ज्यादा आप फल खाएंगे उतना ही ज्यादा आपको लाभ होगा। तुला राशि की अगर बात करें तो फास्ट फूड खाना और जल्दी जल्दी खाना इनको पसंद होता है। एक तो फास्ट फूड खाते हैं, दूसरा जल्दी जल्दी खाते हैं। और आप तुला वालों को अक्सर देखेंगे कि युवा अवस्था में बड़े स्मार्ट होते हैं, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ इनका पेट अलग से निकल जाता है इनकी फूड हैबिट्स की वजह से। अगर आपकी राशि तुला है तो आप जब भी खाना खाएं, खाने में सलाद जरूर खाएं और खाने के बाद गुड़ का सेवन जरूर करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका स्वास्थ्य निरंतर बेहतर बना रहेगा। वृश्चिक राशि, एक बार में ढेर सारा खाना खा लेते हैं, भले ही दिन भर भूखे रहेंगे, एक बार में ढेर सारा खाना खा करके अपना पेट भरने का प्रयास करते हैं। ढेर सारा घी और सामान्यतः मसालेदार खाना खाना इनको पसंद होता है। और वृश्चिक वालों को अक्सर एसिडिटी की प्रॉब्लम या मोशंस की प्रॉब्लम होती है। क्या करना चाहिए? जब भी खाना खाएं सब्जियों की मात्रा ज्यादा रखें। सब्जियां ज्यादा खाएंगे और दिन भर पानी पीते रहेंगे, इससे आप स्वस्थ बने रहेंगे। धनु राशि, तीखा खाना और नॉनवेज खाना, मांसाहारी भोजन करना इनके लिए विशेष प्रिय होता है और खाने में इनकी विशेष रुचि होती है। इसलिए अलग अलग तरह का भोजन बनवाना, बनाना या अलग अलग तरह का भोजन ट्राई करना वो इनके लिए काफी होता है और ऐसा काफी करते हैं। देखिए क्या करना चाहिए कि अगर आपकी राशि धनु है तो सप्ताह में एक दिन उपवास जरूर रखें, उस दिन भोजन ग्रहण मत करें और साथ ही साथ दूध का अधिक से अधिक सेवन करिएगा। अगर आपकी राशि धनु है और आप ऐसा उपाय करते हैं तो आप स्वस्थ बने रहेंगे। मकर राशि, खाने में तमाम तरह के प्रयोग करते रहते हैं, तमाम तरह के प्रैक्टिकल खाने में करते हैं और सब कुछ खा लेते हैं। ऐसा नहीं है कि मकर वाले बड़े स्नोबिश हों या मकर वाले खाने में दिक्कत पैदा करें, ऐसा नहीं करते। आम तौर पे सब कुछ खा लेते हैं, लेकिन मकर वालों को सलाह ये है कि इनको ज़्यादातर अनाज खाना चाहिए और टमाटर का सेवन करना इनके लिए अच्छा होगा। लाइकोपिन मिलता है टमाटर से, टमाटर तो खैर सभी खा सकते हैं, लेकिन मकर वालों को अक्सर स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है, टमाटर खाने से स्वास्थ्य इनका बेहतर बना रहेगा। कुंभ राशि, अत्यधिक चाय कॉफी पीना, बिस्किट नमकीन स्नैक्स का सेवन करना ये इनके लिए दिक्कत करता है और अक्सर ये लोग खाने में लापरवाही भी कर जाते हैं। क्या उपाय किया जाए? देखिए कुंभ राशि अगर आपकी है तो खाने का रूटीन, खाने का नियम ठीक रखिए और फलों का, खास तौर से पपीते का
और अनाज का सेवन ज्यादा करिए, आपके लिए लाभकारी होगा। मीन राशि, दिन भर कुछ ना कुछ खाते रहते हैं और तीखा खाना और नॉनवेज खाना इनको ज्यादा प्रिय होता है। देखिए, अगर आपकी राशि मीन है तो आपको लिवर में या डाइजेशन में आगे चलकर के दिक्कतें हो सकती हैं, इसलिए हमेशा अपने खाने की आदत पर नियंत्रण रखिए। रोज एक सेब आपको जरूर खाना चाहिए, ऐसा करने से आप स्वस्थ बने रहेंगे और मीन राशि का जो नकारात्मक प्रभाव है वो आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा। देखिए, ज्योतिष में जो अनुशासन पैदा करता है आपके स्वास्थ्य के लिए, या जो ग्रह आपके स्वास्थ्य को बहुत बेहतर बनाता है, उसका नाम है सूर्य। और सूर्य खाना पचाने में, आपके डाइजेशन को स्ट्रेंथन करने में बड़ी सहायता करता है। तो अगर आप सूर्य को मजबूत करने का प्रयास करें तो आपकी फूड हैबिट्स हमेशा बेहतर रहेंगी और सूर्य की वजह से आपका जीवन भी बेहतर होगा। इसीलिए अगर सूर्य को बेहतर करना है अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे खान पान की आदतों के लिए, तो नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, सादा पानी प्लेन वाटर, और रोज सुबह शाम ज्यादा नहीं तो कम से कम 27 बार गायत्री मंत्र का जप करिए। अगर ये उपाय आप लंबे समय तक करें तो आपका सूर्य निश्चित रूप से बेहतर होगा, और सूर्य बेहतर होगा तो फूड हैबिट्स भी ठीक होगी और आप बीमार भी नहीं होंगे। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।